11 बज रहे हैं और आज इस वेडनेसडे डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है बट 8 तारीख है शायद आज। और अभी हम लोग जा रहे हैं सफेदाबाद के का वो फ़ोन का है काट दियो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सफेदाबाद, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में शायद बताया था कि सुबह मतलब दोपहर में ही लोग जा रहे हैं 12 बजे, जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने को पता चला होगा कि ट्रैक्टर लड़ गया था तो वही के पैर करवाने जा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा स्टॉप लिया है और कुछ खा लेते हैं, भूख लगी हुई, पेट खा लिया। सुबह मैंने सिर्फ स्नैक्स किया था और फिर मैं सीधा चल गया था, सो जल्दी से खाते हैं। और अभी मैं सफेदाबाद फिर कहूँ, बाद यहाँ सफेदाबाद के खस्ते बहुत ही टेस्ट में अच्छे होते हैं, छोले भटूरे आ जाए खाते हैं फिर चलते हैं। छोला भटूरा आज का है और अब फिनिश करते हैं फटाफट, इट्स सो हॉट। अब सो गाइस अब सीधा निकलेंगे 12 बनकी और अब बीच में कोई स्टॉप नहीं रहेगा। फिलहाल ये रहा ट्रैक्टर एंड नॉन स्टॉप अब चलाएंगे, बिकॉज अब इसके बाद कहीं स्टॉप नहीं लेना है वरना टाइम बहुत हो जाएगा। और अभी ट्रैक्टर से 12 बनकी पहुँचने में ही मैक्सिमम 1 घंटा 1 आवर्स तो लगने हैं। यहाँ पे सब वैसे तो कार ही देखेगी ओपी 32। हाँ वो रहे इस साइड का, ये पूरा डैमेज हो रखा है इसका, ये देख रहे हो ये टोटली डैमेज हो चुका है इसका, ये सब पूजे ढीले हो चुके हैं। ये यही साइड से गया था और इसका ये चीज़ तो इसका पूरा टूट गया था, टायर बाहर आ चुका था और टायर बाहर आने के टोटली बाहर आ चुका था टायर बाहर आने के बाद ही उस सियाज में लड़ी थी एक साइड की, तभी तो ये कंडीशन हो गई है इस ट्रैक्टर की।
तो ये कंडीशन हो गई है स्ट्रक्चर, ये सब लाइट आइट जांच की थी, ये सभी न्यू लगी हुई है। दिखाऊंगा यूपी 32 की गाड़ी यहाँ पे कितनी है। एक तो ये खड़ी, एक ये जा रही है और एक सामने ही मेरे खड़ी है। मतलब ये देखो, ये गई यूपी 32 ये कौन सी 41 ये चलो 41 है। 32 का ये भी रिक्शा है, ई रिक्शा 32 की 41 42 32 32 ये भी गई 32 41 है सॉरी, ये 32 इधर एक खड़ी हुई है 32। टोटली यहाँ पे 32 41 में 32 है, 32 32। ट्रैक्टर अपना ये यहाँ पे पार्क हो गया है और अभी हम लोगों ने इसको ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप कर दिया बिकॉज भैया जा रहे हैं आज गोरखपुर और गोरखपुर परसों आएंगे, तो परसों रात बात नहीं है ब्लॉग, परसों रात बात में ही बन पाएगा। तो मज़े की बात कैसी है कि जब आप यहाँ ब्लॉग देख रहे हो तब भी मेरा ट्रैक्टर आ चुका होगा, बिकॉज अपने पास पहले बैकअप तो बहुत सारा बैकअप था एक्चुअल में। और फिर मैंने जितना भी नवंबर में शूट किया था वो नवंबर का मैंने सब डिलीट कर दिया, सब उड़ा दिया। क्या हुआ? चलो चलो हम ब्लॉग कर रहे हैं, चले रहा हम ब्लॉग कर रहे हैं। सो वहाँ पे जो नवंबर का हमारा ब्लॉग था, नवंबर में जो मैंने शूट किया था वो सब मैंने डिलीट कर दिया है, और अब दिसंबर का जो भी है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और फिलहाल मज़े की बात तो ये कि सब अपना जितना भी व्लॉग्स आ रहे वो अब पेंडिंग्स में आ रहे, मतलब आज मैं शूट कर रहा हूँ तो उसको 2-3 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज अब लाइन से व्लॉग्स भी तो आ रहे हैं। ये भी तो देखो कि शूट भी कर रहा हूँ कि चल रहे बस स्टॉप, और बस स्टॉप से सीधा बस पकड़ेंगे फिर चलेंगे चिन्हैट, और चिन्हैट से फिर जाना है एक लोकेशन पे, वहाँ पे स्प्लेंडर बाइक वहाँ पे खड़ी हुई है तो बाइक को पिकअप करेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे घर और फ्रेश होंगे। बिकॉज बाय द वे मैं आज कल रात मैंने फुल एडिटिंग की, अपना कंप्यूटर आ चुका है। पहले हम लोगों का सिस्टम ख़राब हुआ, CPU में लगा 18,000 रुपये, हमने कैंसिल करवा दिया, हमने कहा 18,000 रुपये कौन लगवा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लैपटॉप करवा लिया। लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था, तो लैपटॉप को फिर कैंसिल करवाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने CPU करवाया, तो CPU में 18,000 रुपये लगा दिए, और CPU थोड़ा टाइम लग गया उसको बनने में, रिपेयर होने में, बट 18,000 रुपये लग गए, तो CPU अपना हो गया एकदम रेडी। क्लास हो जाता हूँ, कल रात को 1 बजे अपना CPU आया, और फिर मैंने CPU पे थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट डाउनलोड किया, सब फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करी, तो उन सब में मुझे 2-3-4 बज गया, और एक ब्लॉग भी एडिट कर लिया था। 4 बजे तक मेरे सब ब्लॉग्स एडिट हो गए थे, फिर उसके बाद 4:40 बजे मैंने फ्रेश हो गया, मैं चला गया रनिंग पे। रनिंग से आने के बाद मैंने सोचा फ्रेश हो जाता हूँ, नहावा लेता हूँ। 7 बजे मैं रनिंग से वापस आ गया, तो वहाँ पे मस्त वर्कआउट वगैरह किया लोहिया पार्क में। 7 बजे मैं वापसी आ गया, उसके बाद मैं जैसे ही शावर लेने जा रहा था बस उतने में मुझे फिर काम आ गया, तो मुझे भागना पड़ा। फिर 10 बज चुका था, 10 बजने के बाद मुझे वहाँ से घर से फिर निकलना पड़ा, बिकॉज मुझे 12 बंगी ट्रैक्टर लेना लेके आना था, और ट्रैक्टर लाने में भाई ये पौ पी पौ लगा रहता है, ये बहुत खलन देता है। और फिर ट्रैक्टर लाने में 1.5 घंटा लग ही जाना था, तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ से फटाक से चलते हैं। सो फटाक से चल के आ रहे, बिकॉज लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या मोबाइल में कर रहा है। तो साथ साथ यमराज भी जा रहे हैं इतना बड़ा ट्रक लेकर, सब लोग एक आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और फिलहाल तो अब चलते हैं फटाफट। सब लोग यार बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगे, तो सीधा बस पर बैठते हैं तब ब्लॉक करते हैं। और वापस हाईवे पर खड़े हो चुके हैं, बस वाले का वेट कर रहे हैं। और ये गाइस ये जो बॉडी है, ये कार आपको किस कार की जैसे लग रही? मुझे तो डैक्सन रेडिगो लग रही है, लुक वाइज डैक्सन रेडिगो लग रही है। यही बस देख के हम लोग कुछ चौंक गए कि तो इतनी ज़्यादा धज्जी इसकी फिटी हुई है, जबकि अभी ये न्यू मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लॉन्च हुए।
साथ इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, बिकॉज अपना ब्लॉग की सीरीज डे टू डे चल रही है और वहाँ से आने के बाद यार एक्चुअली में बहुत तगड़े से काम में मैं फंस गया और इतने बुरे काम में फंसा हूँ बिकॉज वहाँ पे मुझे व्लॉग्स करने का टाइम ही नहीं मिला, व्लॉग याद ही नहीं रहा, मतलब ऐसा काम मेरा पड़ गया फिर। बट कोई नहीं यार, सो अपना डे टू डे व्लॉग चल रहा है तो इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बट फिर भी गाइज सह लो थोड़ा। और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।